Hello kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now study time. अभी कौन सा टाइम है बेटा आपका? स्टडी टाइम है और आज हम लोग स्टडी टाइम में आपकी पिक्चर बुक में से एक न्यू टॉपिक लर्न करने वाले हैं और उस टॉपिक का नेम है फ्लावर्स. देखो बेटा पेज नंबर 5 और उस टॉपिक का नेम क्या है? फ्लावर्स. क्या नेम है बेटा? फ्लावर्स. ओके, फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा? जो पूजा में काम आते हैं ना, फूल रखते हैं हम लोग और जैसे माला भी बनाई जाती है, भगवान जी को चढ़ाते हैं, है ना, और डेकोरेशन भी की जाती है घर में फ्लावर्स से. जब कभी शादी होती है तो कैसे फूलों से सजा होता है ना घर, तो क्या होता है वो फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा? फूल. और उनमें बहुत सी, कई फूल तो ऐसे होते हैं जिनमें बहुत खुशबू होती है, उनकी स्मेल करते हैं तो फ्रेग्रेंस जिसको बोलते हैं, ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है ना, तो ये क्या होते हैं बेटा? फ्लावर्स. इनको हिंदी में क्या बोला जाता है? फूल. तो आपके पेज नंबर 5 आपकी पिक्चर बुक में एक टॉपिक है फ्लावर्स, तो उसमें जितने भी फ्लावर्स दे रखे हैं हमें उसके नेम लर्न करने हैं और आपको ध्यान से देखने कि ये फ्लावर्स कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई भी करना है, रिकॉग्नाइज भी करना है. ओके बेटा, शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट. तो किड्स देखो, फर्स्ट फ्लावर कौन सा है बेटा? इस फ्लावर का नेम है सनफ्लावर. क्या नेम है बेटा? सनफ्लावर. देखो ये राउंड है, सन की तरह है और येलो कलर का है. ऐसे लग रही है सन की रेज होती हैं, ऐसे ऐसे लग रही है ना, देखो ऐसे ऐसे करके रेज लग रही हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सनफ्लावर. क्या बोला जाता है बेटे? सनफ्लावर. तो इसका नेम क्या है? सनफ्लावर. नेक्स्ट फ्लावर का नेम क्या है बच्चे? बड़ा इजी है, लिली. इसको क्या बोलते हैं? लिली. क्या नेम है इसका बेटे? लिली. ओके, नेक्स्ट कौन सा फ्लावर है? ध्यान से देखो, ये है रोज. रोज ये रेड कलर का होता है, वैसे तो ये पिंक कलर का भी होता है, व्हाइट कलर का भी होता है, पर ज्यादा ये रेड कलर का दिखाई देता है. आप मार्केट जाओगे ना, अगर आप शॉपकीपर को बोलोगे कि आपको रोज चाहिए तो वो आपको रेड कलर का रोज देगा. ठीक है, तो इस फ्लावर का नेम क्या है? रोज. तो अभी तक हमने कितने फ्लावर्स नेम लर्न किए? 3. कौन कौन से? सनफ्लावर, लिली, रोज. ओके, अब हम नेक्स्ट फ्लावर पे चलते हैं. इस फ्लावर का नेम है बेटा हिबिस्कस. ध्यान से देखो, हिबिस्कस. ही एच आई ही बिस बी आई एस बिस सी यू एस कस. तो क्या बोलेंगे इसको? हिबिस्कस. हिबिस्कस बोलने की कोशिश करना, हिबिस्कस. ओके, नेक्स्ट जो आपका फ्लावर नेम है वो है बेटा डहलिया. इसको बोलते हैं बेटा डहलिया. ओके, डहलिया, क्लियर. और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका फ्लावर नेम है वो है बेटा ट्यूलिप. ट्यूलिप, ट्यूलिप आपको लर्न करना पड़ेगा, है ना बेटे? तो ध्यान से सुनोगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा ट्यूलिप. तो अभी तक हमने ये 3 फ्लावर्स और ये 3 फ्लावर्स लर्न किए. एक बार और रिवाइज करते हैं इसको. बोलो सनफ्लावर, सनफ्लावर, लिली, रोज, हिबिस्कस, डहलिया, ट्यूलिप. ओके, अब हम चलते हैं नीचे. तो ये कौन सा फ्लावर है आपका? लोटस. इसको क्या बोलते हैं बेटे? लोटस. इस फ्लावर का नेम है बेटा लोटस. लोटस जो कमल होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना कमल, वो होता है लोटस. बेटा ये हमारा नेशनल फ्लावर होता है. कौन सा फ्लावर होता है? हमारा राष्ट्रीय फूल, नेशनल फ्लावर. ओके, और नेक्स्ट क्या है बेटा? ये लाइट पिंक कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है. ओके, ये कौन सा फ्लावर है बेटा? मैरी गोल्ड. कौन सा फ्लावर है ये? मैरी गोल्ड. इस फ्लावर का नेम है मैरी गोल्ड. इसके बाद नेक्स्ट जो फ्लावर नेम है वो है बेटा ऑर्चिड. ऑर्चिड, इसको बोलते हैं ऑर्चिड. ओके, तो ध्यान से देखो, ये क्या है? लोटस, नेशनल फ्लावर है, मैरी गोल्ड, ऑर्चिड. तो आज हमने कितने फ्लावर्स के नेम लर्न किए बेटा? 9 फ्लावर्स के नेम. एक बार और दोबारा अच्छे से देखो आप. बोलो सनफ्लावर, सनफ्लावर, लिली, लिली, रोज, रोज,
हिबिस्कस हिबिस्कस, डहलिया डहलिया, ट्यूलिप ट्यूलिप, लोटस लोटस, मैरीगोल्ड मैरीगोल्ड, ऑर्चिड ऑर्चिड। बेटा अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करूंगी, तो आपने मैंने आपको बताया है वो आप मुझे उसके आंसर दोगे। आपका क्वेश्चन है विच इज आर नेशनल फ्लावर, हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है बेटा, मैंने आपको बताया ना अभी, तो आप बोलोगे लोटस इज आर नेशनल फ्लावर, लोटस है हमारा नेशनल फ्लावर। कौन सा फ्लावर है हमारा नेशनल फ्लावर? लोटस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लावर डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा फ्लावर आपको सबसे अच्छा लगता है? बेटा आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगता है वो बोलो। अगर आपको रोज अच्छा लगता है तो आप रोज बोल सकते हो, मैरीगोल्ड बोल सकते हो, लिली बोल सकते हो, ट्यूलिप बोल सकते हो, लोटस बोल सकते हो, जो फ्लावर आपको अच्छा लगता है ये आपकी चॉइस है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच फ्लावर वॉज एसोसिएटेड विद पंडित जवाहरलाल नेहरू, बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा कौन सा फ्लावर है जो उनको एसोसिएट करता है, कौन सा फ्लावर है बेटा? आपने कभी देखा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की पिक्चर, देखना उनकी पॉकेट में ना मतलब एक जगह बनी होती है यहाँ पर हैंग करने की, वहां पर उनको रोज बहुत प्यारा था, तो वो रोज की रोज जो था वो हमेशा अपने यहाँ पर अपने कोट के ऊपर लगा के घूमते थे। तो कौन सा ऐसा फ्लावर है जो नेहरू को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एसोसिएटेड करते हैं, कौन सा ऐसा फ्लावर होता है जो एसोसिएटेड होता है उनको? बोलो रोज। कौन सा है बेटा? रोज। तो आपको अपने घर पर इन फ्लावर्स के नेम अच्छे से लर्न करने हैं, और बेटा अगर नहीं आते तो उनको बार बार सुनो, फिर आपको नेम अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ओके बेटा, ओके बाय बाय, टेक केयर।